आपकी मेमोरी को थोड़ा और पीछे ले जाए, कितना पीछे? क्रिकेट आपने जब से डिसाइड किया होगा कि खेलना, वो क्या मोमेंट होगा कि आपने क्रिकेट एज अ करियर चुना होगा? सर, मैं क्रिकेट कभी भी एज अ करियर नहीं चुना था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैंने मेरे अंकल क्रिकेट खेलते थे तो उनसे मैंने सीखा, क्योंकि बैट वैट रखे हुए रहते थे तो इंटरेस्ट होने लगा, तो इंटरेस्ट मुझे मैं बताने लगा तो उन्होंने बेसिक्स मुझे सिखाई, तो मैंने हर ग्रेड की क्रिकेट खेली, प्राइमरी क्रिकेट खेला, मिडिल स्कूल खेला, हाई स्कूल, फिर अपना स्टेट स्कूल, सो पूरा, जब मैं टेस्ट मैच, जब तक मैं जब फर्स्ट टेस्ट मैच खेला तो खाली एक ही चीज मैंने नहीं खेली थी, वो इंडिया अंडर 19 को मैंने सेलेक्ट नहीं हुआ कभी भी, बट लेकिन हर जो भी टूर्नामेंट बोर्ड का ऑर्गेनाइज हुआ था हर टूर्नामेंट मैंने खेला था, बट ऐसे इंटरेस्ट पैदा होते क्या कभी, जब टेंथ में आया तो जब स्कूल्स खेला तो इंग्लिश स्कूल बॉयज के साथ भी खेला था, तो ऐसा इंटरेस्ट होते होते ऐसा लग रहा था कि मैं खेल सकता हूँ, बट लेकिन जब मैं रणजी ट्रॉफी मैच फर्स्ट सीजन खेला तो उतना कोई खास सीजन नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे मैं समझा, तो फिर सेकेंड सीजन में दो मैच खेला, उसके बाद मैं ड्रॉप हो गया, तो मुझे 100% श्योर भी नहीं था कि मैं नेक्स्ट सीजन खेलूंगा नहीं खेलूं, बट जो मेरा थर्ड सीजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट सीजन था, जो 84 में जनवरी में मैंने अच्छा खेलना किया रणजी ट्रॉफी से, फिर साउथ जोन खेला, उसके बाद मैं एंड ऑफ दिसंबर इन सेम ईयर आई मेड माय डेब्यू, सो लाइक ऐसा कभी करियर का ऐसा सोचा नहीं था, कॉलेज में भी खेलते थे बट खेलते थे कि ठीक है अगर आगे मौका मिलेगा तो, बट खुशी की ये बात है कि लकी भी था कि जब भी अच्छा खेलता था वहां पे मुझे मौके मिलते गए, वो इंपॉर्टेंट होता और इंडिया भी है कि आप जैसे प्लेयर इंडिया को मिले, बट उस टाइम पे आप किसी ऐसे क्रिकेटर्स को भी फॉलो करते होंगे ना कि इंस्पिरेशंस इंडिया के दूसरे बाहर के भी प्लेयर को भी फॉलो करते थे, इंडिया के प्लेयर को बाहर से ग्रेग चैपल फेवरेट थे, फिर ज़हीर अब्बास थे, फिर इंडिया से जे आर विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, ये लोग बहुत बड़े बड़े प्लेयर से, जो हम लोग में जो मैच मैं खेलने से ज्यादा देख के बहुत सीखा हूँ, क्योंकि मैं मेरे को इंटरेस्ट देखने का इंटरेस्ट बहुत था, तो हम जब भी हैदराबाद में मोहनदौला टूर्नामेंट होता था पूरी पूरी इंडिया के पूरे प्लेयर्स आते थे वहाँ पे खेलने के लिए, तो उस वक्त देख मौका मिलता था, सुबह से लेकर शाम तक मैच देखता था, स्कूल भी बंक कर देता था क्योंकि मेरे को खाली नाना से ही परमिशन लेना पड़ता था कि स्कूल जाए या ना जाए, वो भी मेरे को 1 रुपया देते, 1 रुपये में टिकट मिलता था, वो भी स्कॉटिंग का, चेहरे नहीं रहती थी क्योंकि पूरा धूप सूरज मुँह पे मारते थे, बट इतना इंटरेस्ट था ना तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों जाके देखते थे पूरा सुबह से लेकर शाम तक मैच देखता था, तो उसमें देखने से मैं बहुत काफी सीखा हूँ।